फ्रेंड्स, 11th क्लास, सब्जेक्ट इंग्लिश। मैंने आपको जो करा दिया वी आर नॉट अफ्रेड क्लोज का चैप्टर वो पूरा हो चुका है। मैंने आपको कल वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन भी कराया था। अब शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपको धीरे धीरे करा दूंगी। साथ ही मैं चैप्टर शुरू कर रही हूँ सप्लीमेंट्री रीडर का। चैप्टर नेम इज़ द समर ऑफ द ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स। इट इज़ द राइटर ऑफ विलियम सेरोन। क्लियर? चलिए स्टार्ट करने से पहले मैं फिर एक बात कहूँगी, जब भी आप मोबाइल से पढ़ाई करें तो मोबाइल को कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाए रखें। दूसरी बात, जब भी आप मोबाइल से पढ़ाई करें तो शांत माहौल में रहकर करें, जिससे आपको वीडियो की साउंड क्लियरिटी अच्छी तरह सुनाई दे। और जिन बच्चों ने मुझे कॉपी चेक करा ली बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं कराई वो ज़रूर कराएं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स बिगिन। अब मैं थोड़ा सा चैप्टर के बारे में, चैप्टर में है क्या वो थोड़ा सा इसके थ्रू बताती हूँ। दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग एडवेंचरस स्टोरी ऑफ टू पुअर आर्मेनियन बॉयज हु बिलोंग टू बी ट्राइब नोन फॉर इट ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी। ठीक है ना, मतलब यहाँ एक इंटरेस्टिंग एडवेंचरस स्टोरी है जो दो लड़कों की है और वो बिलोंग करते हैं कि ईमानदारी और सत्यता पे। दे आर अर्म एंड मुराद। मुराद इज़ एबल टू स्टील ए हॉर्स। मुराद समर्थ हो सकता होता है घोड़ा चुराने में। एंड आफ्टर एन्जॉइंग राइडिंग फॉर वन मंथ, और खूब मज़ा लेते हैं एक महीने के लिए उसकी सवारी करके। ही इन्वाइट्स हिज कज़न टू ज्वाइन हिम इन हॉर्स राइडिंग। वो इन्वाइट भी करता है अपने कज़न को ज्वाइन करने के लिए। फाइनली दे डिसाइड टू रिटर्न द हॉर्स ऑट इट्स ओनर एज दे डिड नॉट वॉन्ट टू ब्रिंग एनी शेम फॉर देयर फैमिली। फाइनल में वो क्या करते हैं, वो तय करते हैं कि वापस करेंगे घोड़े को उसके मालिक को। वे नहीं चाहते अपने पिता अपनी फैमिली में किसी भी प्रकार की शर्मिंदा लाना। तो चैप्टर में तो आपको समझ में आया होगा कि उन्होंने एक हॉर्स चुरा लिया, उसकी राइडिंग करी, लेकिन ईमानदारी ने उन्हें कोसा। तो एक महीने बाद उन्हें, अब आगे पढ़ते हैं कि कैसे कैसे चैप्टर में उन्होंने ये दिखाया। वन डे बैक देयर इज़ ए गुड ओल्ड डेज व्हेन आई वॉज 9 एंड द वर्ल्ड वॉज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिशेंस एंड लाइफ वॉज स्टिल ए डिलाइटफुल एंड मिस्ट्रियस ड्रीम। माई कज़न मुराद हु वॉज कंसिडर्ड क्रेजी बाई एवरीबडी हु न्यू हिम एक्सेप्ट मी केम टू माई हाउस एट 4 ऑफ द मॉर्निंग एंड वॉक अप ऑन टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम। कहते एक दिन अतीत, मतलब पुराने दिनों में अच्छे दिन थे, जब मैं 9 वर्ष का था, संसार दुनिया भव्यता की, मैग्निफिशेंस माने भव्यता, भव्यता की कल्पनीय प्रकार से ओतप्रोत थी, भरी पड़ी थी, और जीवन आनंद में, जीवन एक सुखद और आनंद में सपना, रहस्यमय आनंद में और रहस्यमय सपना था। माई कज़न, मेरा चचेरा भाई मुराद, क्या हुआ, प्रातः 4 बजे, जो मतलब पहले ये बताऊंगी मैं, मुराद जो एक तरह से जिसे सभी उन्माद समझते थे, पागल समझते थे, बहुत ज़्यादा शरारती समझते थे, बस मुझे छोड़कर, एक्सेप्ट मी, मुझे छोड़कर, केम टू माय हाउस, मेरे घर आया एट 4 इन द मॉर्निंग, सुबह के 4 बजे, एंड वोक अप टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माय रूम, और क्या किया उसने, मेरे कमरे की खिड़की पर थपथपाकर मुझे जगाया। टैपिंग माने थपथपाना। एरम ही सेड, उसने कहा, एरम आई जंप आउट ऑफ बेड एंड लुक आउट द विंडो। मैं तुरंत बिस्तर से कूदा और मैंने खिड़की के बाहर देखा। आई कुड नॉट बिलीव व्हाट आई सॉ। मैं जो मैंने देखा मैं उस पर विश्वास नहीं हुआ। इट वॉज नॉट मॉर्निंग येट, यद्यपि यह अभी सुबह नहीं हुई थी, बट इट वॉज समर, लेकिन गर्मी का मौसम था। विद डे ब्रेक नॉट मैनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड इट वॉज लाइट एनफ फॉर मी टू नो आई वॉज नॉट ड्रीमिंग। लेकिन जो भोर हो जाती है उसके फटते कोने कोने में काफ़ी प्रकाश हो गया था, और जिससे मुझे लग रहा था काफ़ी प्रकाश हो गया, मैं ये समझ पा रहा था कि अब मैं सपना नहीं देख रहा हूँ, शायद सुबह हो गई है। तो आज के लिए इतना ही, और आज का आपके लिए क्वेश्चन है, what is the meaning of mysterious, what is the meaning of mysterious, God bless you, have a nice day.